मैं तो कह रही हूँ आपको, उस चुड़ैल को इस घर से बाहर फेंक दो दादी जी, सारी पनौती तल जाएगी, ट्रस्ट मी। काली कहीं नहीं जाएगी। काली इसी घर में रहेगी, एक घर के सदस्य की तरह। काली, वही हुआ जो हमने सोचा था, अब आपको इस घर से कोई नहीं निकालेगा। काली, हमने नाटक में आपको बहुत जोर से मारा ना, कैसे हालात आ गए जिंदगी के गले कि हमें अपनी ही बच्ची पर हाथ उठाना पड़ा। हमें माफ कर। नहीं मंशी माँ, आप माफी मत मांगे प्लीज। हमने अपनी असली माँ को तो कभी देखा नहीं, पर वो शायद आप जितनी महान नहीं होती। आपके हाथों से तो 100 चाटे सर आंखों पर। मंजी माँ, आप दुखी क्यों हो रही हैं? आपने जो कुछ भी किया हमारे फायदे के लिए किया ना। खली, हम दुखी नहीं है, ये तो खुशी के आंसू हैं। हम आपके लिए सिर्फ इस दुनिया से ही नहीं, भगवान से भी टकरा सकते हैं। सच पर मंजी माँ, हम एक बात समझे नहीं, ये सब करके हम बड़के पापा के साथ क्या करना चाहते हैं? हम उनके अंदर डर, खौफ और भय पैदा करना चाहते हैं कली, ताकि गुनाह के खुल जाने के डर से वो कोई गलती कर बैठे। और पूरे सबूत के साथ उनका सच सबके सामने आ जाए। बस अब ये देखना है कि अपना जुर्म छुपाने के लिए बड़के पापा कौन सी गलती करते हैं। ये सबूत यहाँ कहाँ मिलेगा विश्वास? अरे सबूत ही चाहिए ना, तो नीचे खाई में देखो, खाई में होगा सबूत। अरे वहाँ अवश्य कोई अदृश्य जाल है जिसने काली को मरने से बचाया है। सही कह रहे हैं आप, बहुत अकल की बात कर रहे हैं आप। हमने उसे यहां से फेंका तो वो गिरी होगी वहां, वो उन झाड़ियों के ऊपर, तो खाई के ऊपर। यहां से गिरने के बाद वो घायल तो जरूर हुई होगी। अब ऐसे हाल में वो इसी रास्ते से तो वापस आ नहीं सकते, क्योंकि जख्मी हो गई होगी। तो वो निकली होगी उस तरफ खाई का, जहां पर मुंह खुला हुआ है। एक मिनट विश्वा, वो रास्ता तो बीरपुर की तरफ जाता है। बीरपुर? हाँ, बीरपुर में तो, अरे वहां के हॉस्पिटल में तो हमें काली मिली थी। हमें वहां जाके देखना चाहिए जहां पर वो खाई का मुंह खुला हुआ है। अरे जी वाह, ये गौरी की जिद की वजह से काली को यहाँ लाना पड़ा, पर अच्छा खासा वो सब कुछ भूल चुकी थी। आप भूल जाइए सब कुछ जो हुआ, और जो होने वाला है उसे रोकने की कोशिश करते हैं। चलिए। आइडिया ही नहीं आ रहा है कि उस बेबी को रास्ते से कैसे हटाएं। लगता है कि ब्रेन ड्रेन हो गया हमारा।
I'm so sorry. I'm so sorry. No, no, madam. Please don't come here. Please, madam. दूर रहिए. ये कुत्ता बहुत aggressive है. पिछले हफ्ते इसने अपने मालिक के बच्चे की जान ही ले डाली. कितने साल का था वो बच्चा? 3 साल का बच्चा था मैडम. और अगर इसे किसी के कपड़े सुंघा दो ना, तो सीधा झपट्टे ही मारता है उसपे. ये बच्चों से पूछ लेते हैं. चलिए. अरे बच्चों, तुम सब यहीं आसपास रहते हो? हाँ. तो यहीं खेलते हो हमेशा? हाँ. अच्छा एक बात बताओ, करीब 7 महीने पहले घायल अवस्था में कोई औरत इधर से गुजरी थी आसपास कहीं? नहीं. विश्वा, इन बच्चों को पूछने से कोई फायदा नहीं है. अरे किसी बड़े बुजुर्ग से ही पूछते. चलो चलो. अरे भोलू, ये अंकल लोग उसी औरत के बारे में नहीं बोल रहे जिसको नंदू ने बचाया था? किसकी बात कर रहे हो बेटा? नंदू नाम का एक लड़का है, पगलेट है, उसने किसी लड़की को बचाया था. नंदू नाम सुना हुआ सा क्यों लग रहा है हमें? अब ये कब की बात? यही लगभग शायद से 6-7 महीने पहले. बेटा तुम बता सकते हो कि ये नंदू कहाँ रहता है? अरे अंकल, सुबह से सारे कंचे हार चुका हूँ, कुछ याद भी नहीं आ रहा है. और माई तो पैसे भी नहीं देने वाली है. अभी कुछ याद आया? हाँ अंकल, सब याद आ गया. हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि काली से जुड़ी काफी सारी बातें हमें पता चलने वाली हैं? चलिए आज मम्मा नैना को गार्डन में घुमाएंगी और अलग अलग कलर के फूल दिखाएंगी. ये देखो पिंक कलर का फूल, ये ऑरेंज, और ये है गुलाब. फूल को गुलाब कहते हैं. गुलाब सबसे सुंदर फूल होता है, सबसे सुंदर, एकदम प्रिटी. और इसमें ना कांटे भी होते हैं जो चुभ सकते हैं. तो ऑलवेज बी वेयर. बेटर रहेगा कि तुम इसे प्राइम में लेकर घूमो. हम ऐसा नहीं चाहते. और वैसे भी माँ का स्पर्श बच्चों में सुरक्षा की भावना लाता है. अरे तुम अपना स्पर्श बाद में भी दे सकती हो. इस तरह गार्डन में घूमने से गिरने का डर लगा रहेगा और काफी अनकंफर्टेबल भी है. आप फिक्र मत कीजिए, हमारी बच्ची है, हमें उसे संभालना अच्छी तरह से आता है. पर फिर भी रिस्क क्यों लेना? अरे नैना को भी ऐसे ही घूमना पसंद है. प्राइम में जाते ही रोने लगेगी, हम कह रहे हैं ना. अच्छा जरा लिटा के दिखाओ. ठीक है, देख लीजिए. नैना, हैप्पी, मिल गई खुशी, हम कह रहे थे ना. वो तुमने ठीक से लिटाया नहीं होगा. लो मुझे दो. नैना दीजिए. ये कहाँ से लेके आई? तुम्हें पता है ना, पत्री के हिसाब से इस घर में कुत्ता रहना ठीक नहीं है. साइकेट्रिस्ट ने बुलाया था. साइकेट्रिस्ट? तुम साइकेट्रिस्ट के पास गई थी? I mean, वो युग
हमने हमारा बच्चा खोया है ना, उसी के चक्कर में हमें डिप्रेशन हो गया था। हमें साइकाइट्रिस्ट ने कहा कि हम एक पेट रख लें। आई विल फील बेटर। अरे तो कोई छोटा पपी ले आती, इतना बड़ा डॉग लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना घर में बच्चा है। चुप, आपको बस इस बच्चे की फिक्र है। हम ये नहीं कह रहे कि आप फिक्र मत करो, पर आप अपनी बच्ची को भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है गौरी, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसे ढूंढने में लगा हुआ है। एनीवे, तुम नहीं समझोगी, ध्यान रखना कि ये नैना से दूर रहे। बिस्वा, ये लड़का हमें कहीं बुड़बक तो नहीं बना रहा है ना? चल के देख लेते हैं, पता चल जाएगा। रॉकी, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड कहां से मिलेगा? इंसान तो मेरे किसी काम के नहीं। अब तुम काली और उसकी बच्ची के खिलाफ हमारा हथियार बनोगे। अच्छा सुनो रॉकी, हमें ना तुम्हारे लिए वो काली के बच्चे के कपड़े लेकर आते हैं, तुम उसे अच्छे से स्मेल कर लेना, ओके? और फिर उसके साथ भी वही करो जो बाकी के बच्चों के साथ किया। कली, हमने अपनी आंखों से देखा, आचार्य जी वहां गए थे और कुछ ढूंढ रहे थे, फिर थोड़ा नीचे गए और बच्चों से कुछ पूछताछ करने लगे, फिर कली वो आगे गए एक बस्ती में और हमने उन्हें खो दिया। मंजी माँ, हम पहाड़ की दूसरी तरफ गए थे, फिर एक आदमी ने हमारी मदद की थी, फिर हम बेहोश हो गए और उसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं। फिर सीधा 7 महीने बाद हमारी आँख खुली और हम उसी आदमी के घर पर थे। उनकी माँ भी थी उनके साथ और उनकी माँ ने हमें बताया था कि जो गर्भ हमने धारण किया है वो हमने खो दिया। हे भगवान कली, ये तो बहुत गलत हुआ। क्या हुआ मंजीमा, आप इतनी टेंस्ड क्यों हैं? सुना, अगर आचार्य जी उस घर तक पहुंच गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि नैना आपकी बेटी नहीं है। हे राम जी, कोई भी नहीं है। अरे युग, तुमने हमसे कहा था कि इस डॉगी को बच्चे से दूर रखना, पर हम क्या करते? जानवर तो बेजुबान होता है ना, सही गलत की समझ थोड़ी होती है उसे। नहीं, थोड़ा और ड्रामा करना पड़ेगा। देख के नहीं चल सकते तुम, क्या कर रहे हो? माफ कर दीजिए दीदी। अंधे हो, सारे कपड़े गिरा दिए। अरे ओ हल्ला मचा रखा है रे, मचा रखी है। देखो ना, ये हमें टक्कर मार के चला गया। ध्यान से चल सकते हो? चलो खाना खाने।
चलो आप चलिए ना दादी जी, हम वॉशरूम होके आते हैं। आओ, आने से पहले फ्रेश थी। ये बच्चे का कपड़ा किधर से आया? हम तो गौरी मैम का कपड़ा लेके आते। हाय डॉगी, गुड डॉगी, एंग्री डॉगी, फिरोशियस डॉगी, हम है ना आपके लिए एक चीज लेकर आए हैं। स्मेल स्मेल स्मेल, ये स्मेल जिस किसी की भी है ना, तुम्हें उस पर जाकर अटैक करना है। ये तो हमारा ही है। सॉरी, गलत वाला कौन सी हो गया? हमने कुछ नहीं किया। गॉड, ये तो उल्टा हमारे ही पीछे पड़ गया। क्या करें हम? इसके ट्रेनर को फोन करते हैं। हेलो हेलो, मिस्टर सिंह, हम बोल रहे हैं गौरी जा, ये आपका रॉकी तो बहुत एग्रेसिव हो गया है। गलती से उसने हमारे कपड़े सूंघ लिए और वो हम पे ही अटैक करने लग गया। अच्छा, आपके पास डिओड्रेंट है? डिओड्रेंट? हाँ है। हाँ तो उसका स्प्रे कर लीजिए, बल्कि पूरी बॉटल उड़ेल लीजिए अपने ऊपर, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। ओके ओके। गुड बॉय, शांत हो जाओ, काटना मत। रॉकी, देखो हम तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े लाए हैं, अब तुम्हें इसे स्मेल करना है और उसके बाद क्या करना है? अटैक। स्मेल इट। अरे स्मेल करो ना। लगता है हमारे डीओ की स्मेल की वजह से इसकी पूरी नाक खराब हो गई है। अब हम क्या करें? कुछ तो करना होगा ना। नैना, मामा बस 2 मिनट में आई। किचन के सामान की लिस्ट बनानी है ना, 2 मिनट। कोई देख ना ले कि हम बच्चे के हाथ पे मीट पेस्ट लगा रहे हैं। रॉकी, रॉकी से स्मेल करो, इसे स्मेल करो और यही स्मेल की ट्रेल को तुम्हें फॉलो करना है।
गुड बॉय गो।